हेलो फ्रेंड, अकाउंटिंग एंट्रीज में हम यहाँ पे कुछ और एंट्रीज सीखेंगे। फर्स्ट है, ऑन 9 सितंबर 2013 सोल्ड गुड्स टू मित्तल ऑन क्रेडिट ₹1600। आपको यहाँ पे बताया गया है कि 9 सितंबर 2013 को मित्तल को हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं ₹1600 के। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मित्तल को बेचे हैं तो यानी मित्तल रिसीवर है। एज़ पर पर्सनल रूल अकाउंट रिसीवर डेबिट साइड में मेंशन किया जाता है, तो हमने मित्तल अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है ₹1600 से। और हमने गुड्स सेल किए हैं यानी कि बेचे हैं, तो हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे यानी कि एज़ पर रियल अकाउंट सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में 1600 से मेंशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो मित्तल रिसीवर हो गई, तो इसलिए हमने मित्तल अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है, टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट साइड में ₹1600 से इस तरह से हमने मेंशन किया। नेक्स्ट है, ऑन 11 सितंबर 2013 अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू BOB बाय चेक ₹6000। आपको यहाँ पर बताया गया है कि 11 सितंबर 2013 को अमाउंट ट्रांसफ़र की है SBI से BOB में, यानी SBI अकाउंट में से बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में ₹6000 यानी ₹6000 की अमाउंट, यानी एक अकाउंट में से उठा के अमाउंट दूसरे अकाउंट में यानी कि बैंक अकाउंट में हमने यहाँ से शिफ्ट आउट की है, तो उसकी ट्रांजेक्शन हम जिस अकाउंट में से रिसीव कर रहे हैं यानी हमें ट्रांसफ़र जिस अकाउंट में करना है उस अकाउंट को हम डेबिट साइड में यानी कि हमने उठाया है फ्रॉम SBI में से, तो जिस अकाउंट में से हम उठा रहे हैं यानी कि अमाउंट उसमें से कम हो रही है तो हमने उसको क्रेडिट साइड में मेंशन किया, और जिस अकाउंट में हम डिपॉजिट करवा रहे हैं यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा वाले अकाउंट यानी BOB अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन करेंगे और SBI अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को डेबिट साइड में मेंशन किया है। एज़ पर पर्सनल रूल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे आपको फुल्ली अप्लाई करके दिखा रहा है। यहाँ पर रिसीवर अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा और गिवर अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है, ऑन 13 सितंबर 2013 रिसीव्ड फ्रॉम मित्तल कैश ₹600 एंड चेक ₹1000। 9 सितंबर 2013 को जो हमने मित्तल को गुड्स सोल किए थे क्रेडिट पे ₹1600 की, यहाँ पे हमें कैश और चेक रिसीव हुआ है उसी सेल्स अमाउंट का। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन पास आउट की है, उसने कैश और चेक में दोनों में अमाउंट दिए यानी हमारे पास कैश और थ्रू बैंक हमारे पास अमाउंट रिसीव हो रही है। तो अगर हमारे पास कैश और बैंक आ रहा है तो हम उसे डेबिट साइड में करेंगे एंटर, और मित्तल अकाउंट जो पार्टी हमें दे रही है जो गिवर है हम उसे क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो एज पर रियल अकाउंट रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमारे पास कैश आ रही है तो हमने कैश को डेबिट साइड में मेंशन किया है, और एज पर पर्सनल अकाउंट रूल मित्तल इज़ गिवर यानी कि मित्तल जो दे रही है तो पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो मित्तल गिवर है तो उसने दिया है तो हम उसको क्रेडिट साइड में मेंशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन पास आउट किए हैं, कैश अकाउंट जितनी अमाउंट हमने कैश में रिसीव की है उसको हमने यहाँ पर डेबिट साइड में डाला है, कैश अकाउंट डेबिट ₹600, बैंक अकाउंट यानी कि चेक थ्रू जो अमाउंट मिली है वो 1000, टू पार्टी यानी मित्तल अकाउंट ₹1600। इस तरह से हमने टोटल अमाउंट करके यहाँ पे अमाउंट डाली है। नेक्स्ट एंट्री है, ऑन 14 सितंबर 2013 पेड द बिल ऑफ पेट्रोल एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी वैन ₹5800। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 14 सितंबर 2013 को पेट्रोल एक्सपेंस का बिल हमने डिलीवरी वैन का पे किया है ₹5800 का। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा है पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ₹5800 टू कैश अकाउंट, हमने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि हमने बिल कैश में पे किया है तो हमने यहाँ पर लिखा है कैश अकाउंट ₹5800। तो अगर हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन पास आउट करनी है तो हम इस तरह से ट्रांजेक्शन पास आउट कर सकते हैं, पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
5800 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5800 रुपीस। इस तरह से हम उसकी ट्रांजेक्शन पास आउट कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल एक्सपेंस वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो रहा है। एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, इसीलिए हमने उसको डेबिट साइड में मेंशन किया है। पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5800। नेक्स्ट एंट्री है ऑन 15th September 2013 बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक रुपीज़ 2500। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 15 सितंबर 2013 को बैंक चार्जेस बाय बैंक रुपीज़ 250 रुपये चार्ज हुए हैं। तो 250 रुपये जो बैंक चार्जेस है वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया हमारा। तो एज पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो बैंक चार्जेस हमारा डेबिट साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि हमारी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो रही है। तो हमने बैंक चार्जेस को डेबिट साइड में मेंशन किया है। आप देख सकते हो हमने बैंक चार्जेस डेबिट रखा है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट रखा है। तो आप देख सकते हो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 और थ्रू द बैंक यानी चेक थ्रू पे किया है 250। थैंक यू।